जी हाँ दोस्तों, आज ये मुकाबला काफ़ी घमासान, क्योंकि हमें देखने को मिलेंगे टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की आरसीबी की टीम भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर की टीम से। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर जो कि आईपीएल में खिताब अभी तक जीत चुके हैं, लेकिन विराट कोहली के हाथ एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं लगा है, क्योंकि विराट कोहली कप्तानी हर साल अच्छी रहती है, उनका इंडिविजुअल प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मात खा जाती है इनकी टीम। लेकिन जिस भी सेक्शन में इनकी टीम मात खाती, यानी डेथ ओवर से लेके मिडिल ओवर के बीच में, इस बार कहा जा रहा है कि इस टीम ने उन सब चीज़ों में सुधार कर लिया है। तो जानते हैं आज के मैच में किन धुरंधरों के साथ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम उतरेगी, जिसकी मदद से ये जीत आसानी से हासिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, इस साल काफ़ी मजबूत बताई जा रही है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम। तो शुरुआत करने के लिए एक ऐसा नाम सामने आया है जिसको शायद आपने अभी तक नहीं सुना हो, जो आप सभी के लिए अनजान हो, लेकिन इस मैच के बाद, यानी कि आज के मैच के बाद, ये नाम आप सभी के लिए जाना पहचाना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये नाम है देवदत्त पडिकाल का, जो कि विराट कोहली के साथ या फिर एरन फिंच के साथ ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी कि एरन फिंच, देवदत्त पडिकाल ये टीम की ओपनिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली आ सकते हैं, और चौथे नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही खिलाड़ी के लिए आरसीबी की टीम में जगह है, और वो है मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। उसके बाद सामने आ सकते हैं गुरकीरत सिंह, जो कि पांचवे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। छठे नंबर पे बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस आ सकते हैं, फिर शिवम दुबे, फिर वॉशिंगटन सुंदर। यानी कि इनकी बल्लेबाजी की डेप्थ देखी जाए तो वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि एक तरीके से गुरकीरत सिंह मान तक ही इनकी बल्लेबाजी सीमित है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाँचवें नंबर तक ही आती है। क्रिस मॉरिस एक ऑलराउंडर है, उनसे सिर्फ बड़े हिट की उम्मीद रख सकते हैं, ना कि एक बड़ी पारी की। तो शिवम दुबे, फिर वॉशिंगटन सुंदर, इनकी टीम में जगह है। एक तरीके से स्पिनर को मदद मिलेगी, इस सोच को लेकर विराट कोहली ने अपनी टीम में जगह दी होगी। तो वहीं आरसीबी की टीम का काफ़ी सालों से हिस्सा रहे युजवेंद्र चहल को भी टीम में जगह मिली है। नवदीप सैनी एक अच्छे तरीके से नाम हमें देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो फास्ट गेंदबाजी में, जहाँ पे डेल स्टेन और इसरू उड़ाना को लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बात करें प्लेइंग 11 की, तो एरन फिंच पहले पे, दूसरे पे देवदत्त पडिकाल, तीसरे पे विराट कोहली, चौथे पे एबी डिविलियर्स विकेट कीपर के रूप में खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार प्रैक्टिस मैच में हमें विकेट कीपर के रूप में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। फिर गुरकीरत सिंह मान को जगह मिल सकती है टीम में पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे क्रिस मॉरिस ऑलराउंडर, सातवें पे शिवम दुबे भी, आठवें पे वॉशिंगटन सुंदर, जो कि बड़े हिट लगा सकते हैं लेकिन हर मैच में नहीं इनसे उम्मीद कर सकते, नौवें नंबर पे युजवेंद्र चहल, दसवें नंबर पे नवदीप सैनी, और ग्यारहवें नंबर पे थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ डेल स्टेन और इसरू उडाना, ये प्लेयर हो सकते हैं आरसीबी की टीम के, जो कि आरसीबी की टीम की तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद के सामने मैचेस खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टीम क्या आपको लगता है हैदराबाद के लिए काफ़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से टीम में एरन फिंच को जगह मिली है, उससे यह साफ होता है कि ओपनिंग को सुधारना चाहते हैं। ओपनिंग पारी जहां शुरुआत में पहले क्रिस गेल विस्फोटक तरीके से करते थे, उसी को सुधार लाने के लिए विराट कोहली ने एरन फिंच को रखा है, क्योंकि एरन फिंच आईपीएल में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन पहले भी दिखा चुके हैं। तो ये 11 खिलाड़ी इस बार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम की तरफ से हैं, जो आईपीएल 2020 में अपने पहले मैच में इस उम्मीद से उतरेगी कि इस साल आईपीएल का खिताब जीतना ही है। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।